हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कस्टम ट्यूनर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा थार सीआरडी 2017 एडिशन की। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको थार के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो कि बहुत यूनिक है और आपके लिए थार परचेस करते टाइम और फिर या तो उसका आपको रिव्यू सुनने में, फीचर्स के सुनने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने महिंद्रा थार सीआरडी के फीचर्स और आफ्टर जीएसटी प्राइसेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी की जो 2017 की जो थार है उसमें महिंद्रा ने एयर कंडीशनर विथ हीटर दिया हुआ है। गाइस, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे विंटर में हो चाहे समर में सीज़न में आप ड्राइव कर रहे हो, आइदर इट्स हाईवे और ऑफ रोडिंग, आपको कम्फर्ट जोन हर जगह मिलेगा। प्लस गाइस, जो सेकेंड चीज़ है वो है वाइडर फ्रंट सीट्स। गाइस, होता कि क्या है कि वाइडर फ्रंट सीट्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मीन्स हम सीट्स पे ध्यान नहीं देते हैं हम। और फिर होता क्या है कि अगर हम ऑफ रोडिंग करते हैं या तो हम लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पे जाते हैं, वहाँ पे हमें हमारे बैक को प्लस हमारे थाइस को ये चीज़ लगने लगती है, प्लस मीन्स ओवरऑल हमें लगने लगता है कि यार सीट थोड़ी और चौड़ी होती तो अच्छा होता। तो गाइस, महिंद्रा ने यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा थार 2017 में वाइडर फ्रंट सीट्स दिए हैं, जिसमें आपको वाइडर ऑन और ऑफ रोड और फिर या तो आपको लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स और फिर या तो सिटी में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्लस गाइस, जो दूसरी आपके कंफर्ट जोन में जो चीज़ें आती हैं वो हैं आपके डोर ट्रिम्स विथ हैंड पैड्स। तो उसमें गाइस ये चीज़ है कि आपके जो डोर ट्रिम्स पे जो हैंड रेस्ट लगे हुए हैं वो गाइस अब पहले से ज़्यादा वाइडर हैं ताकि आपके आर्म्स को काफ़ी कंफर्ट मिले। प्लस गाइस, अगर हम अब बढ़ते हैं कन्वीनियंस की ओर, तो कन्वीनियंस में हमें महिंद्रा थार ने ऑफ़र किया है गाइस विंडशाइड डेमिस्टर। गाइस, जैसे विंटर सीजन्स में आप देखते होंगे कि जो आपके जो विंडशाइड्स हैं उस पे फॉग जम जाती है, तो यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। प्लस गाइस, अगर आप अपनी वाटर बॉटल और अपनी कोक या तो पेप्सी के कैंस खुद कैरी करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लोर कंसोल पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। प्लस गाइस, ये जो अब जो मैं फीचर बताने चाह रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है लॉकेबल ग्लव बॉक्स। गाइस, जैसे हम सब जानते हैं कि हम जैसे महिंद्रा थार अगर हम ले रहे हैं तो हम इट्स ऑब्वियस कि हम उसकी कैनोपी खोल के ही हम चलाएंगे, मीन्स कभी ना कभी तो भाई चलाएंगे ही, मीन्स जैसे हाईवे ट्रिप्स पे हो गया, जैसे उसके बाद हम इसके अगर हम ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स नहीं होता अगर थार में तो होता क्या है कि जैसे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी या तो कहीं और खड़ी करी, तो ये चीज़ बहुत बार मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हो चुकी है। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा किए हैं तो आपकी जो वैल्यूबल्स हैं उनको काफ़ी ख़तरा हो जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको महिंद्रा थार 2017 एडिशन में आपको मिल रहा है लॉकेबल ग्लव बॉक्स। उसके बाद जो आपको गाइस फीचर मिल रहा है महिंद्रा थार में वो है 12 वोल्ट पावर आउटलेट, जो कि आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स कुछ भी चार्ज करने के लिए इनफ है। प्लस गाइस, अगर हम एक्सटीरियर की ओर आते हैं, जो एक्सटीरियर का जो हमारा डिज़ाइन है तो वहाँ पे आपके बम्पर्स और व्हील आर्चर सब काफ़ी ज़्यादा बीफियर हैं, तो आपको जब आप रोड पे चलेंगे तो एकदम बल्की बल्की आपको फीलिंग आएगी। प्लस गाइस, जो पहले की थार थी उसमें क्लियर लेंस हेडलैम्प्स नहीं थे, तो महिंद्रा ने विज़न जो आप लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पे अगर आप जाएंगे तो आपके विज़न को भी बढ़ाएगी, प्लस सेफ्टी के तौर पे भी वो काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि है ये गाइस क्लियर लेंस हेडलैम्प्स। क्लियर लेंस हेडलैम्प्स गाइस आपके जो नाइट ड्राइविंग है प्लस जो ऑफ रोडिंग है प्लस उसके बाद जो आपके लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स है उसमें आपका काफ़ी काम करेगी गाइस। प्लस गाइस, यहाँ पे सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कैनोपी की। गाइस, हम में से बहुत लोग हैं जो थार लेते टाइम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम मतलब हार्ड कैनोपी लें या सॉफ्ट कैनोपी लें। तो गाइस, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि थार एक ऑफ रोडर गाड़ी है, प्लस ऑफ रोडर भी है, ऑन रोडर भी है, प्लस ज़्यादातर थार क्या है गाइस कि वो ओपन जीप है, तो उसका मज़ा वो कैनोपी खोल के ही आता है, जो एक गाइस कहते हैं ना विंड इन दी हेयर का एक्सपीरियंस, तो वो होता है गाइस। चाहे आप हाईवे पे आप चले जाएं या तो आप सिटी ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो भी आपको उसका मज़ा एक अलग ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जब भी जाएं तो सॉफ्ट कैनोपी की ओर जाएं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा गाइस, और वो चीज़ ये है कि अगर आप हार्ड कैनोपी में जा भी रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए कि आप मतलब सॉफ्ट कैनोपी लेके आप बाहर से फिर आफ्टर मार्केट कैनोपी हार्ड लगवाइए, क्योंकि गाइस मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चीज़ करी थी और उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वो उन्होंने जो आफ्टर मार्केट जो कैनोपी लगवाई थी वो ड्रॉप करने लगी। तो इसलिए गाइस, जब भी थार की हार्ड कैनोपी लें तो वो ओरिजिनल कंपनी वाली ही लें या तो कंपनी फिटेड ही लें, क्योंकि कंपनी की बात
भाई यहाँ पे अलग हो जाती है, प्लस जो आप आफ्टर मार्केट लेंगे उसकी बात अलग हो जाती है। अगला गाइस हम आ जाते हैं इंटीरियर्स पे। तो गाइस इंटीरियर आपको यहाँ पे 2017 की थार में आपको डुअल टोन इंटीरियर्स में मिल रहे हैं, प्लस आप उसके अदर ट्रिम ऑप्शंस हैं जो आप शोरूम में आपको पता करने पे आपको वो अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि अभी मैं आपको जैसे बता दूं, और वो अगर मीन्स वो चीज़ आपके सिटी में आपके शोरूम पे अगर अवेलेबल ना हो तो वो बात अलग है। प्लस गाइस आपको यहाँ पे मिल जाता है 2D म्यूज़िक सिस्टम की। गाइस आप इसमें 2D म्यूज़िक सिस्टम का भी प्रोविज़न दे दिया गया है कि अब आप 2D म्यूज़िक सिस्टम का भी एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। प्लस गाइस जो हमारी पहले वाली जो थार आती थी उसमें मल्टी डायरेक्शनल एसी इवेंट्स नहीं थे। तो गाइस अगर आप अब वाली 2017 वाली थार लेने जा रहे हैं या लेने वाले हैं तो आपको ये फीचर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो पहली वाली थार जो लोगों ने ली थी उसमें लोग बहुत कंप्लेन करते थे कि एसी का वेंट्स काफ़ी क्रूड क्वालिटी का है, काफ़ी क्रूड प्लास्टिक मटेरियल से वो बना है और ऐसा है वैसा है। पर गाइस यहाँ पे महिंद्रा ने अपने जो स्टेक्स है उसको काफ़ी बढ़ाते हुए, प्लस अपनी क्वालिटी को काफ़ी बढ़ाते हुए उसने मल्टी डायरेक्शनल एयर वेंट्स प्रोवाइड कराए गाइस। हेलो गाइस, अब मैं आपको जो महिंद्रा थार का सबसे यूनिक और बेंचमार्क फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल। गाइस इसका मतलब ये होता है कि एडिशनल ट्रैक्शन स्लिपरी से स्लिपरी सरफेस में भी आपकी थार को मिलेगा। पहले जो थार आती थी जो 2017 के पहले, तो उसमें ये फीचर नहीं था मैकेनिकल लॉक रियर डिफरेंशियल। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जैसे जो स्लिपरी सर्फेसेस होती थी तो वहाँ से थार को निकलने में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब जो महिंद्रा ने बहुत अच्छा मतलब सिस्टम इसमें प्रोवाइड किया है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कितने भी स्लिपरी से स्लिपरी सर्फेसेस हो, या कितना भी क्या बोलते हैं कोई भी मतलब कीचड़ का सर्फेस हो, या कितना भी मतलब पानी वानी का सर्फेस हो, थार कहीं भी नहीं फंसेगी, आराम से बिना स्टक हुए वहाँ से निकल जाएगी। इसमें ऑटो इंगेजिंग मैकेनिकल लॉकिंग का फंक्शन दे रखा है। इसमें इसका मतलब होता है कि इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स पावर टू द व्हील विद मोर ट्रैक्शन, देयर बाई मेंटेनिंग फॉरवर्ड मोमेंटम इन ट्रिकी टेरेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हील को सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है, रियर डिफरेंशियल ऑटोमेटिक उस व्हील को ट्रैक्शन और पावर दे देगा, इस जिससे कि थार वहाँ पे फंसे ना और आराम से बिना कुछ स्टक हुए या जाम हुए उस स्लिपरी स्लिपरी सरफेस से भी थार ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो गाइस अब हम आते हैं महिंद्रा थार 2017 के स्पेसिफिकेशंस पे। इसका जो इंजन है वो है NEFTCI CRDE BS4 इंजन। ओके, इस इंजन का जो कैपेसिटी है वो है 2498 CC की। इसका बोर इंटू स्ट्रोक है 94:90 mm। इसका पावर है, जो ये पावर पंच करती है वो है 105 bhp। इसका टॉर्क है 247 Nm एट द रेट ऑफ 1800 to 2000 rpm। इसमें जो ट्रांसमिशन है तो एज़ यूजुअल जो पहले आता था थार में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका जो 4-wheel ड्राइव सिस्टम है ट्रांसफ़र केस का वो है बॉग वार्नर विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर। इसका मतलब ये होता है कि आपको 4-wheel ड्राइव में जीप को क्या बोलते हैं डालने पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बॉग वार्नर इस पे आराम से हाई एंड लो रिडक्शन गियर अपना निकालेगा, मतलब जाम नहीं होगा। इसका जो स्टीयरिंग है तो एस यूज पावर स्टीयरिंग है, हब लॉक इसमें पहले से आता था। इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है 5.75 m, जो बहुत ही अच्छा है। इसका व्हील बेस है 2430 mm। ओके, इसका जो सस्पेंशन है गाइस आगे का वो है फ्रंट का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद टॉर्सन बार एंड स्टेबलाइजर बार। जो रियर का है वो है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर। इससे आप ऑन रोड में हो या ऑफ रोड में हो, आपका कंफर्ट लेवल एकदम कम नहीं होगा। आपको अगर गाड़ी अगर ऑफ रोड में भी अगर आपकी चल रही है तो आपको जो एक्सपीरियंस आएगा वो ऑन रोड का आएगा, क्योंकि इसके सस्पेंशन गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm का। ज़्यादा जो ऑफ रोड होती हैं तो वहाँ पर टेरेंस कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं, तो वहाँ पे हमें डर ये लगा रहता है कि हमारा हमारा जो इंजन का चैम्बर है यार वो कहीं टच ना हो जाए, हमारी जो गाड़ी है नीचे से कहीं टच ना हो जाए। लेकिन थार में आपको ऑफ रोड में बिना कोई टेंशन के आप ऑफ रोड में थार को अपनी चला सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। इसका जो अप्रोच एंगल है वो है 44 डिग्री और जो इसका डिपार्चर एंगल है वो है 27 डिग्री। अप स्टेप में अप्रोच एंगल इसका 44 डिग्री है और डाउन स्टेप में इसका डिपार्चर एंगल 27 डिग्री, जिससे आपकी जीप आपकी थार ऑफ रोड में आराम से अपना चल सकती है। इसके जो ब्रेक्स हैं गाइस, इसका आगे का जो ब्रेक है वो है डुअल हाइड्रोलिक सर्किट विथ टेंडम मास्टर सिलेंडर। ओके,
उसके बाद जो पीछे का है तो वो है वैक्यूम असिस्टेड सर्वो विद ऑटो स्लैक एडजस्टर। फ्रंट का जो ब्रेक है वो है 226 mm डिस्क और रियर का है 282 mm ड्रम, जो बहुत ही अच्छे ब्रेक्स हैं क्योंकि स्टॉप एट द लॉन आपको ब्रेक्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड गाइस इसका जो व्हील एंड टायर्स है तो वो है P235 16 इंच और 16 ट्यूबलेस टायर्स। ओके, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाइस तो वो है 60 लीटर्स की। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या लॉन्ग जर्नीस पे आप जा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिलिंग स्टेशन रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो वहाँ पे गाइस ऐसा होता है कि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, जो फिलिंग स्टेशन है, तो वो बहुत दूर दूर पे हैं। तो इसमें महिंद्रा ने 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें प्रोवाइड किया बोलते हैं किया है, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से बिना कोई टेंशन के आप आराम से अपना ट्रिप कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। ओके गाइस, हेलो गाइस, महिंद्रा थार 2017 का आफ्टर GST के बाद का जो प्राइस रेंज है एक्स शोरूम, वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। अगर हम लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश, तो एक्स शोरूम महिंद्रा थार 2017 का जो प्राइस है वो है 8,68,140। अगर आप M2 DICR में जा रहे हैं तो उसका है टू व्हील ड्राइव का 6,12,692 और फोर व्हील ड्राइव का है 6,63,164। अगर आप राजस्थान से लेते हैं तो राजस्थान में जयपुर सिटी का है टू व्हील ड्राइव का 6,14,034, फोर व्हील ड्राइव का है 6,64,506। अगर आप अजमेर से लेते हैं तो अजमेर का है CRDE एक्स शोरूम 8,63,241। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा गाइस कि महिंद्रा थार एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, एक बेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड ऑसम ऑफ रोडर तो है ही, पर उसके साथ साथ ये गाड़ी डिसेंट मैनर ऑन रोडर भी है। आप ऑफ रोड में इसे राइड कर रहे हैं, ऑन रोड में इसे राइड कर रहे हैं, ये गाड़ी कहीं भी आपके कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, हर जगह आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगी। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, इसके एक्सटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, इसका रोड पीसेंस बहुत अच्छा है। ये आपके लाइफस्टाइल को हाईलाइट तो करेगी, पर गाइस उसके साथ साथ ये आपके लाइफस्टाइल को मैच भी करेगी, सूट भी करेगी। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि बिना लेट करें आप इस गाड़ी को ले लें। ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, ये आज के यूथ के लिए एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं, फैमिली पिकनिक पे जाना चाहते हैं, एडवेंचरस राइड के लिए जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप इंडिया में कहीं भी जाना चाहते हैं, लेह लद्दाख हो, कोई हिल स्टेशंस हो, ये गाड़ी हर जगह आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगी। रोड चाहे ऑन हो या ऑफ हो, या आगे जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बोल्डर हो या रॉक्स हो या रिवर हो, ये गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी। हर जगह ये गाड़ी आराम से अपना पार करते हुए अपना हर टेरेन को ये निकलेगी, हर टेरेन में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा कंफर्ट लेवल और एक बहुत ही अच्छा आपको राइड देगी। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, सो प्लीज़ परचेज इट विदाउट एनी डिले।